कृतिका के घर से लौटकर हमें बहुत खुशी हो रही है, मन शांत हो गया है। बच्चे के होने के बाद वो लोग भी खुश रहने लगेंगे और हमारी प्रतिज्ञा वो भी खुश रहने लगेगी। सज्जन सिंह का परिवार अब प्रतिज्ञा को समझने लगा है, तो पूरा ध्यान दे रहा है। अबू, वो घर की बहू है तो ध्यान तो रखा ही जाएगा ना। अब ये ध्यान की बात छोड़िए और बच्चे की मौसी से पूछिए कि उसको नेग में का मिला है। अरे यार बताओ ना मौसी जी, का पाई हो नेग में? ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए इसमें क्या क्या है। अरे वाह, तुमको तो इतना महंगा महंगा माल मिला है फिर भी तुम खुश नहीं हो है? अरे जिंदगी में कभी ऐसी चीज देखी है क्या तुमने? और क्या चाहती हो तुम? हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब आप अपने पास ही रखिए। और वैसे भी हम तो भिखमंगे हैं ना। तो इतना महंगा तोहफा लेकर हम लोग क्या करेंगे? अब हम तुमको पूछ दिए हैं तो तुम भाव खा रही हो, तो ठीक है। आरुषि बेटा, इसमें इतना गुस्साने की कौन सी बात थी? गुस्सा होने वाली बात क्यों नहीं है मम्मी? आपने देखा नहीं क्या किस तरह से दीदी के जेठ ने हमें नेक के नाम पे वो चेन पहनाई? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्यार से डाल दिया होगा। मम्मी ये हमारे लिए बड़ी बात है। बेटा इन छोटी छोटी बातों को लेकर बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो हमें संस्कार दिए थे ना कि कभी भी गलत को नहीं स्वीकार करना चाहिए और किसी भी गलत चीज पे किसी को दबाव नहीं देना चाहिए। ये आजादी तो आप ही ने इस घर में हमें दी थी ना, तो फिर आज आप ये आजादी हमसे कैसे छीन सकते हैं? कैसे आप हमें गलत को गलत कहने से इनकार कर सकते हैं? आरुषि, आरुषि बेटा, अरे अब तो दुद्दू पोता खेलेंगे आंगन, मजा आ जाएगा। लगनिया लो, लगनिया लो, जाना तो ये पोता ना तुमको नईकी दादी कह के गरियाएंगे, तुम देखना। जानती हो कैसे? ए थतुलाइन थाली तुत्ती, तुत्ती थाली थतुलाइन। अरे 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 ये ठकुराई नहीं, बताओ कहीं हम लोग दादा बनने में यार देरी तो नहीं कर गए? नहीं वैसे देखा जाए ना तो यह समय ठीक है। नहीं जानती हूँ क्या होता है कि यार बहुरिया जो है बच्चा पैदा कर रही हो तो यार सास लाइन में लगी होती। अरे बहुते बदनामी होती, अच्छा नहीं लगता यार। लेकिन भैया भाई तो पोता पोता जरूर हो, दुद्दू ठो दुनो हमार पोता आए के बाद दाढ़ी ऐसे पकड़ के लटक जाएंगे ऐसे चिट्ठी। अरे ठकुराई दुद्दू ठो पोता दुद्दू ठो हट। आप ही बार बार क्या कहते हैं दुद्दू को पोता? काहे काहे ना कहें ये बताओ। हमको तो नहीं लगता है कि कृष्णा बहु पेट से। वो खाली
घर के काम से बचने के लिए और अपना सेवा सुसुरसा करवाने के लिए सब झूठ बोल रही है। ये बताओ ठाकुराई, तुमको कैसे पता कि किसना बहु पेट से नहीं? तुम डॉक्टर हो तो कहा तुम उसकी पोख में झांक के देख रही थी? हाँ? तुमको ना नौकर लगा नहीं कि चूल्हे की राजनीति सुनो, नहीं चूल्हा की राजनीति करने। बोल, अरे बोलते बोलती काहे नहीं तू? खाने की बीमारी लग गई है, अब शकुन बोले की मास मोट अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? जो हमरे बाऊजी हैं, ये हमरी अम्मा को कभी भी किसी भी बात पे लताई देते हैं। बस तुम अपनी खैर मनाओ कि हम इतना बर्दाश्त करते हैं, पर कब तक करेंगे? कि घर में जब हमारी अम्मा मार खा सकती है तो तुम का चीज हो। हे भगवान, कोई जा क्यों नहीं रहा है? अम्मा इतना कृष्णा, कृष्णा उठो। कृष्णा, वो अम्मा का लगता है बाबूजी अम्मा को मार रहे हैं। प्लीज जरा जाकर देखो ना। अरे का पगला गई हो का? अम्मा बाऊजी के बीच का मामला हम क्या करेंगे जाएंगे? चलो सो जाओ। जब हम बेटा होके उनको बीच में बोल नहीं देते तो हमारे बाप है। तुम वो भी सोचती रहती। अरे का हुआ? अरे कभी हम तुमको मारेंगे तो क्या कोनो पागल है जो बीच में आएगा? यहाँ सब समझदार है, कोनो किसी के बीच में नहीं बोलता। जाओ सो जाओ। मजाक मजाक बना के रखे, मजाक। पाजी पाजी अब बस भी कीजिए। कहाँ से आएगा? जाइए से निकट। ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? दिख नहीं रहा है कि क्या कर रहे हैं, कि करके बताएं कि क्या कर रहे हैं? तुमको यहाँ से चुपचाप चली जाओ, नहीं बेटा तुम हो ना लपेटे में आ जाओगे। निकल यहाँ से। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे बेटा तुम तो यहाँ से जरूर जाती, लेकिन क्या बताएं, तुम पेट से हो समझी, हट जाओ। देख जिसके बारे में तू बड़ा बुरा कहती थी आज वही तुमको बचाए रही है। अरे लाज नहीं आती तुझको, शर्म नहीं आती? धो के पी गई है ये देहोदी। ए ए कृष्णा बाबू, इसको लेके यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, यहाँ बड़की आई है। अब बेटा ए कहीं बच्चा हो जाए ना तुमको, तब तुम हो ना यहाँ शुद्ध कह दी जाओगी, जैसे ये पूरे घर की औरतें शुद्ध की जाती है। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? शायद थकान कुछ ज्यादा हो गई है इसलिए नींद नहीं आ रही है, पर
आप अभी तक क्यों जग रही हैं? आप सो जाइए। लाइए, हम पांव दबा देते। अरे नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं थके हैं हम। लाइए, अगर हम दबा देंगे तो थक नहीं जाएंगे। क्या हम आपको जानते नहीं? अगर आप थक चुके होते तो अभी तक सो चुके होते। आप इतना क्यों सोचते हैं? दूसरों को कहते हैं कि इतना मत सोचो, और खुद तब से सोचे जा रहे। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सोचें कैसे ना नैना जी, बस रहने दीजिए। तकलीफें हैं कि बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज जब हमारी प्रतिज्ञा के साथ वहां सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यहां आरुषि और आदर्श की बातें हमें तकलीफ दे रही हैं। हमारे ये दोनों बच्चे अब इतने नासमझ भी नहीं हैं कि आसपास की चीजें इन लोगों को समझ में ना आ रही हो। अगर समझ लेते तो दिक्कत ही क्या थी? भले ही उसके होने वाले बच्चे के लिए ही, पर हमारी बेटी को उसके ससुराल में मान, इज्जत, प्यार, सम्मान, हर एक चीज मिल रही है, तो उसमें बुरी बात क्या है? और रही आरुषि की बात, तो वो तो ना समझ है। हम समझाएंगे उसे, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। चलिए अब सो जाइए, बहुत रात हो गई है। ज्यादा मार दिया बाबूजी ने, हैं? तुम्हों भी ना आदत बहुत है खराब, मुंह लगने की आदत है तुम्हारी। जानती हो अभी वक्त है सोने का, सब सो रहे हैं, तुम शुरू हो गए होगी चार 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 बस। ए पियसिया, हाँ भैया, जाओ लेके आओ का हल्दी चूना गरम करके लेके आओ, चल जा। हाँ, लाइट है। कोनो शौक है का बताए दो। हाय राम, लागत है बहुत ज्यादा चोट लगी है, जगह जगह काला लाल हुई हुआ है। अम्मा, पानी। आग लगा के मजा ले रही है और उसके बाद अच्छा बनने का तमाशा कर रही है।
समझती है कि घर के मर्दों को उकसा के जो खेल खेल रही हो हमको समझ में नहीं आता है? अच्छा खेलो खेल, और जिसके दम पे उछल रही हो ना, हम भी देखते हैं कब तक उछलती हो। का सोच के आई है इस घर में कि राज करेगी? जाओ यहाँ से, बड़ी आई छोह दिखाने वाली। अम्मा तुमो भी न, चुप हो जा। तुमरे जैसे मर्द को ना ऐसी औरत एक चोटी में बांध के नचा के फेंक देती है। अम्मा हम अम्मा नहीं है तुम्हारी, ये अम्मा है तुम्हारी। और ये खाली तुम्हारी अम्मा नहीं है, तुम्हारे बाप की भी अम्मा है। ये घंटी बजवाएगी आपके बेटे से, देखते रहिएगा। जो पहले तुमरी जो घंटी बजी ना, ये का ठीक करवा लो, कायदे से लगवा लो हल्दी, समझो। पहले दूर कर इसको हमारी नजर से, दूर कर इसको। मर्द के चक्कर में औरत का गुलाम परिभाषा अभी भी चरितार्थ है। गुलाम कहीं का। कार है, मार डालेगी का हमको? बता के नहीं लगा सकती थी? अब मार पड़ी है तो दर्द तो हुई बे करी, चाहे बताए के लगाई और चाहे बिना बताए। देखने में भी बड़ा चिकना लगता है, या किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ा? इसका मामला है कल तक जरूर पता लगा लेंगे। प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।